राधा वल्लभ श्रीहरिवंश राधावल्लभ श्रीहरिवंश वृन्दवनेश्वरी तवैवपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मर्तापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रया निर्वापयत् परम शीतल maasyaami radha 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 राधा रधा चिदानंद घन प्रेमानंदस्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्रीवृंदावन धाम श्रीवृंदावन धाम के लाडिले युगलचंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्या्याम समस्तहित परिकर निज परिकर श्री वृंदावन धाम की ऐसी महिमा है यहां भजन तो स्वाभाविक चेष्टाएं भी भगवत दर्शन का फल प्रदान कर देंगे स्वरूप बोध प्रदान कर दे स्वाभाविक चेष्टाएं जिन्हें स्वार्थ भरी चेष्टाएं कहते हैं बड़ी अपार महिमा धाम की है आवश्यकता समर्पण की है आत्मसमर्पण की यहां हैं अगर, अगर हमें आने को मिल गया या थोड़ा भी वास करने को मिल गया तो जो बहुत वर्षों साधना से उन्नति नहीं होती वो यहां दिनों में होने लगती है ये अनुभव की बात कह रहे हैं बस हमारी कुछ वृत्तियां ऐसी हैं जो ऐसे अपराध कर देती हैं, जिससे वो कृपा हमारे हृदय में जो उतरनी चाहिए वो नहीं उतर पाती श्रीपाद बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं कह रहे वृंदाटव्याम टन मि चेत को पक्षादी नाम यदि ऋतु मिहाकर्णि तत्तु श्रुतैः किम् वृक्षाद्याख्या प्रकथनरुचौ स्तोत्र किम् दृष्टिर्यत्र क्वचिदिहरता चेदलं ध्यानलक्षैः बड़ी महिमा की बात कर वृंदावन आने को मिला और तुम यहां की गलियों में घूमे और वृंदावन की परिक्रमा कर लिए एक बार तो बोले करोड़ों तीर्थों के करने का जो फल है वो इसकी समानता नहीं कर सकता कोटि तीर्थाटन किम करोड़ों तीर्थ करोड़ों तीर्थ करना कोई साधारण बात है करोड़ों तीर्थ मतलब विश्व में जितने तीर्थ हैं वो सब एक आदमी कर ले और एक वृंदावन आ जाए यहां की गलियों में दर्शन हेतु भ्रमण करे बहुत महिमा है इन कुंज वीथियों की लौकिकता का विस्तार होना मायाकृत प्रभाव है पर इन छोटी छोटी कुंजवीथियों का एक अपना प्रभाव है ये दिव्य है इसको लौकिकता में न देखा जाए यहां प्रभु की विशुद्ध लीलाएं हुई हैं हो रही हैं होती रहेंगी इन गलियों में भ्रमण करना मात्र ही वजन माना जाता है बहुत दिव्य स्थान है कहीं तुमने वृंदावन की गलियों में भ्रमण कर लिया कैसे भ्रमण चलते हैं निधिवन राज दर्शन अब देखो छोटी छोटी गलियां जो बीथिया हैं कोई ऐसी वीथी नहीं जिसमें लीला ना हुई हो कोई ऐसी गली नहीं जिनमें हमारे प्रभु की लीला ना हुई हो यह बड़ी परम पावन है और यहां जो वास करते हैं सब भगवत स्वरूप है चलो राधा रमन जी के दर्शन करते हैं राधा दामोदर सेवा गलियों से होकर जा रहे हैं बोले करोड़ों तीर्थ उसकी समानता नहीं कर सकते वृंदा टब्या मटन में अटन मन घूमना वो घूम रहा है भ्रमण कर रहा है दर्शन हेतु तो करोड़ों तीर्थ करने का जो फल है वो वृंदावन की गलियों में जो घूमा दर्शन हेतु उसकी बराबरी नहीं कर सकता और कहीं वृंदावन की परिक्रमा एक बार कर ली कितना अहोभाग्य अब तो उसकी कोई समानता ही नहीं कर सकता पर परिक्रमा पद्धति से दे जहां से भी प्रारंभ करे साष्टांग पंचांग मस्तक रखकर वृंदावन की भूमि को प्रणाम करके और मौन ले बातचीत करते हुए परिक्रमा नहीं दी जाती बड़े जो महापुरुष जन्म हुए जैसे पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जब परिक्रमा तो बस मौन और नाम जब शुरू अगर कोई संत महात्मा मिल गए और बात करना शुरू किया तो खड़े हो जाते हैं पहले बात हुई फिर मौन हुए फिर परिक्रमा अब भगवत चर्चा के सिवा कोई अन्य बात नहीं मौन नाम जप करते हुए और अपने दाहिने आराध्य देव होते हैं जैसे या वृंदावन या बर्षा दाहिने न थूकना है ना शंका करनी है और नाक कुल्ला आदि करके उधर बहुत सावधान बाएं हाथ की तरफ अगर आपको लघु शंका लगती है तो जल की व्यवस्था के साथ आप लघु शंका जाइए इंद्री को पवित्र कीजिए फिर रज लगाकर हाथ धोइए फिर तीन बार नाम लेते हुए आचमन कीजिए चरण प्रक्षालन फिर परिक्रमा अगर आप नाम जप करते हुए पद्धति से एक परिक्रमा लगा लिए तो करोड़ों तीर्थों के अवगाहन का फल वृंदावन की एक परिक्रमा के बराबर नहीं स्वयं प्रयागराज जी आते हैं धाम को प्रणाम करके रज में लौटते हैं और निष्पाप हो जाते हैं गर्ग संहिता में पढ़ के देखना समस्त तीर्थ प्रयागराज जाते हैं प्रयागराज पावन होने के लिए धाम में आते हैं विश्व में श्रीधाम वृंदावन की समानता करने वाला कोई नहीं और विश्व के अतीत जो भगवान का वैकुंठ धाम है रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की हिमाही रज की तुल वैकुंठ नहीं ये वृंदावन रज है ये ब्रज रज है भाग्य मटन में ही चेतकूट तीर्थाटन किम यदि आपने वृंदावन की वीथियों में चलो बिहारी जी के दर्शन राधा वल्लभ जी के दर्शन ऐसे मंगलमयी भावना से नंगे पैर देखो आपका शरीर रोग ग्रसित नहीं है यदि स्वस्थ है ऐसा डॉक्टरों ने नहीं कहा कि आप पादुका ही पहने रहें नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा आदि आदि तो बात अलग है नहीं तो मंदिर में सीढ़ी के ऊपर पादुका नहीं पहनने चाहिए अगर आप कैसी भी परिस्थिति में हो तो सीढ़ी के नीचे तक तो चलो ठीक है वैसे तो बहुत अच्छा है जहां आप वास कर रहे हो वहां से दर्शन हेतु तो जब जाओ तो नंगे पहन जाए भरत जी महाराज जब श्याराम जी के दर्शन करने चित्रकूट जा रहे हैं तो अत्यंत सुकुमार तलवे हैं और उस भूमि में चलने से बड़े बड़े छाले पड़ गए ऐसा लग रहा है मानो अरुण कमल में जल की बूंदें एकदम सुकुमार चरण ये देख करके जनों ने भरत जी से कहा आप थोड़ी देर सवारी पे बैठ जाइए रथ पे घोड़े पे बैठ जाइए भरत जी की आंखों में आंसू आ गए और उन कहा जहां मेरे रघुनाथ जी के चरण पड़े हैं वहां आप कह रहे हैं हम सवारी पे बैठ जाए सिर वर जाऊं उचित मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा मैं सेवक हूं मेरे स्वामी उचित तो ये है कि जहां उनके चरण पड़े वहां मैं सर के बल जाऊं भक्ति का स्वरूप है प्रेम का एक स्वरूप है ना मोजा ना जूता ये थोड़ा तो स्वामी के प्रति सा जो लाभ लेने आए थोड़ा तो करो सीढ़ी के ऊपर पादुका नहीं और जो सेवा अपराधों में लिखा हुआ है तो उसमें तो लिखा हुआ है कि खड़ाऊ आदि कोई भी पादुका भगवत दर्शन है तो जब जा रहे हैं उसे नहीं पहनना चाहिए प्रभु के दर्शन के लिए जो आप चल रहे हैं एक एक कदम करोड़ों तीर्थ आपकी समानता नहीं कर सकते ये जो लाभ मिल रहा है अरे भक्ति में कोई ज्यादा पसीना चुवाने की जरूरत नहीं समझने की और भाव की जरूरत है जैसा आपका भाव प्रबल होता जाएगा वैसे ही भगवत समीपता का अनुभव होने लगेगा सवेन भजताम रस रसकाम मैं अपने आराध्य देव के दर्शन करने जा रहा हूं उनका चिंतन नंगे पैर बड़ी दैन्यता से किसी से कोई वार्ता नहीं आप मंदिर में गए सीधे आराध्य देव पास आपके पास कौन खड़ा है आपका परिचय नहीं होना चाहिए तब तो दर्शन करने जा रहे हैं, नहीं तो प्रपंच मन फैला देता है वहां भी इधर देखना उधर दोष दर्शन करना लाभ नहीं मिलेगा लाभ नेत्र नीचे की हुई गए उदासीन और आराध्य देव में सीधे नेत्र मिलाए कभी कभी तो यह भी पता नहीं चलता कि पोशाक कौन सी पहने थे बाद में जैसे पूछा जाए पोशाक तो सच्ची बात नेत्र में नेत्र मिले पूरा समय उसी में चला गया इसके बाद ये ही नहीं पता कि सरकार पोशाक कैसी पहने थे बस उनकी रूप माधुरी में बिहारी देव जी से किसी ने कहा बिहारी जी के दर्शन करने आते प्रणाम नहीं करते बोले समय नहीं है सीधे गए आंख मिलाई सखियों को समय है क्या प्रणाम नमस्कार ये सब व्यवहार में चलता है रूप का प्रवाह है निकल जाएगा तो जितनी देर पान कर पान किया नेत्र झुकाए चल दे सर झुकाने की फुर्सत नहीं है यहां दम दम पे होती है पूजा सर झुकाने की कैसा अद्भुत अनुराग है प्रभु में इसी धाम वृंदावन की विधियों में दर्शन हेतु तो जो कोशिश करो यदि आपके पैर ठीक हैं तो अपने निवास से पैदल जाने की कोशिश करो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो सीढ़ी तक इसके बाद आप सहारा लेकर धीरे 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 सामने पहुंचो आंख मिलाओ जितनी देर मिला पाओ आंख बंद करो सर झुकाओ वापस लौट आओ इससे बड़ा लाभ कोई और तीर्थों में नहीं मिलेगा ये जो हमारे प्रभु विराजमान है ये प्रभु स्वयं विराजमान है जैसे कुत से विग्रह लाना प्राण प्रतिष्ठा करना भावना करना लेकिन यहां भावना करने की जरूरत नहीं ये तो साक्षात विराजमान मतलब तो साक्षात कहने में संकोच होता है पर क्या हमको ऐसे भाव रहते हैं क्या कई लोग दर्शन करने जाते हैं और दोष लेकर आते हैं दर्शन आनंद नहीं दोष लेके आते हैं अंग पार्षदों में दोष दर्शन वहां खड़े हुए लोगों में दोष दर्शन देखने गए थे श्रीजी को और देख पाए दोष और आनंद की जगह अशांति लाभ की जगह हानि करके चले आते हैं श्रीधाम है बहुत सावधान परिक्रमा लगा लेना कुंज वीथियों में बेहरण करते हुए प्रियालाल के श्रियंग के दर्शन करना बिहारी जी राधा वल्लभ राधा रमन राधा दाम कितना सुंदर स्वरूप है हमारे प्रभु का हमारे नेत्र जो है मलिन है वो तो स्वरूप का दर्शन नहीं कर पा रहे पक्ष्यादी नाम यदि रुत मिहाकर्णिम तत्व श्रुत किम यदि आपके कान में वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट पड़ गई तो कह रहे हैं अब तुम्हारे कानों में वेद और श्रुतियों का जो पाठ करने का फल है उसकी जरूरत नहीं श्रवण की मिल गया राधा यशो मुखर मत खगावली के यहां के पक्षियों की चहचहाट सुन ली शुक्षारिका को कोकिला कपोत आदि पक्षियों की मयूर आदि पक्षियों की तो बोले चारों वेदों के पाठ का तुम्हें फल मिल गया कैसी महिमा है ये वो महापुरुष लिख रहे हैं जो प्रियालाल को खुली आंख देख रहे हैं और उनकी लीला में डूबे हुए हैं हरिराम व्यास जी ने भी कहा कि यहाँ के कपूत आदि पक्षी आदि महापुरुषों के समान हैं जैसे सनक सनंदन सनातन सनक कुमार ऐसे यहाँ के कपूत आदि पक्षी ये प्रियालाल के नवनिवृत्त निकुंज के हैं स्वयं हित सजनी जू जो हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुई वो प्रार्थना करती हे राधाया रतिग्रह शुका हे मृगा हे मयूराह भूयो भूय प्रणति भीरहम प्रार्थे ओ अनुकंपा हे हमारी प्रियाजू के नवनिवृत निकुंज के सुखसारिका मयूर आदि पक्षियों बार बार हम आपको प्रणाम करते हैं हम पर कृपा करो पक्षी उसे कह रहे हरिराम व्यास जी कह रहे हैं यहां के जितने पशु पक्षी हैं उनकी हम शरण में सब हम पर कृपा करें जो वृंदावन धाम के पक्षी हैं ये सब शनकादि के समान बड़े बड़े तपस्वी महर्षि हैं पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख ली जाए चरण शरण रख लीजिए पक्षादीनाम यदिहाणिम तत्व श्रुत किम वृंदावन के पक्षियों की चहचहाट अब चारों वेदों के पाठ का स्वतः प्राप्त हो गया चारों वेदों का पाठ करना साधारण समझते हो वृक्षाद्याख्या प्रकथन रुचौ स्त्रोत्र मंत्रादि कह किम यदि यहां के वृक्षों का आलिंगन कर लिया और उनके नाम जान गए ये तमाल है ये कदम्ब है ऐसे आप उच्चारण कर रहे हैं तो बोले आपको बड़े बड़े मंत्रों के अनुष्ठान की अब जरूरत नहीं सच्ची बात सीधे प्रियालाल का प्रेम प्रदान करने वाले ये वृंदावन के वृक्ष लताएं हैं अब तो बहुत दुर्भाग्य हो रहा है कि सब ऐसी माया का प्रचंड स्वरूप बढ़ता जा रहा है कि जिनसे हमारा परम लाभ होता है वही हमारे से दूर होती जा रही है प्रेम पदार्थ अति दूर है बिनु से रज रूख बिना लताओं का दर्शन आलिंगन किए रज लगाए रसिकों का संग किए प्रेम तो बहुत दूर बात हो गई आज लताओं के दर्शन दुर्लभ हो रहे ये सब परमहंस हैं लताए साधारण वृक्ष नहीं है हरिराम व्यास जी कह रहे हैं हो मन वृंदावन को श्वान श्वान मन कुत्ता श्रीपाद कह रहे वृंदावन की नाली का मुझे कीड़ा बना दिया जाए बाहर का ब्रह्मापद मुझे स्वीकार नहीं है, है कुछ अजीब अलौकिक आश्चर्यमयी धाम की महिमा भला नाली का कीड़ा कौन बनना चाहेगा और महापुरुष जो मोक्ष पदवी को प्राप्त मोक्ष पदवी को त्याग कर प्रेम पदवी को प्राप्त वो कह रहे हैं मुझे नाली का कीड़ा। ये धाम है तो आपको रोना नहीं आता कि मुझे मनुष्य रूप में रख लिया प्रिया जी ने जहां उद्धव जी कह रहे हैं मुझे वृंदावन की कोई लता गुलषधि बना दी जाए हरिम ब्याजी कह रहे हैं मुझे श्वान बना दिया जाए प्रबोधानंद पाद जी महाराज कह रहे मुझे नाली का कीड़ा बना दिया जाए हमें मनुष्य रूप से रख लिया आपको कृपा नहीं समझ में आती आपको रोना नहीं आता कि कितनी कृपा मेरी लाडली जू ने बिना मांगे कर दी हमें तो मांगना भी नहीं आता था जानते ही नहीं थे कि मुझे चाहिए क्या अनिच्छित आवे बरियाई बरियाई मैंने जबरदस्ती अनिच्छित हमारी इच्छा ही नहीं हम जानते ही नहीं थे जबर जस्ती प्रदान कर दिया अये तुकी कृपा ये वृंदावन के वृक्षों का स्पर्श दर्शन और आलिंगन ये प्रियालाल का विशुद्ध प्रेम प्रदान करता है सच्ची मान लीजिए बहुत दुर्भाग्य हो रहा है पच्चीस छब्बीस वर्ष पहले की बात कह रहे हैं, परिक्रमा लगाओ परमानंद रज ही रज बस वो थोड़ा सा मार्ग केवल पक्का मिलता था ए, पुलिस चौकी उधर रज इधर रज पूरी रज ही रज जहां बैठ जाओ तो ऐसे गद्दे जैसा कोमल रज पूरी परिक्रमा और पैर में थकान नहीं कहीं चुभन नहीं कहीं भी मन आवे लुट जाओ रात्रि के तो अपने लोग बाहर निकल करके रज रानी एकदम शीतल उसी में लुट जाओ कोई गाड़ी का तो सवाल ही नहीं था बहुत बहुत कोई साइकिल या कभी कोई बैलगाड़ी अन्यथा नहीं ऐसी रजरानी थी कि किसी स्कूटी मोटरसाइकिल या कार आदि की और बिजली भी नहीं थी और इधर सब लता जहां बैठे हो लता ही लता ये बन ही था एक भी कहीं कही ये जो बड़ा पीपल है ये उस समय से भी है यही विशाल आस पास कदम तमाल सामने जो तमाल ही ऐसे तमाल कि हो सकता है चार सौ वर्ष पांच सौ वर्ष क्यों इतने मोटे तमाल ऐसे पूरा कुंज बने हुए कि अंदर ऐसे बीस आदमी बैठ जाए आराम से छाया कैसी सुंदर शोभा किनारे किनारे ऐसे विशाल वृक्ष इसी रमण रीति में ऐसा मध्य में विशाल वृक्ष था कि आनंद आ जाए जो उसके नीचे बैठो पड़े रहते थे भगवान दास जी महाराज बड़े सिद्ध दिगंबर ऐसे करते थे बड़ी ऊंची कोटि के महात्मा थे कोई जान नहीं पाया वृंदावन की रजरानी में से दिगंबर पड़े रहते ऐसे कोई प्रसाद रख दिया रहे वो अपनी तरफ पा रहे वो अपनी तरफ पा रहे, रहे। बड़े मस्त भगवदाकार वृत्ति थी ये धाम है यहां जो प्रेम प्राप्त होता है वहां साधन प्रधान बात नहीं सावधानी से रहने में रहिए रजरानी का सेवन कितना भी विक्षिप्त चित्त हो लताओं के दर्शन करो तत्काल चित्त वृत्ति श्यामा श्याम में यह अनुभव की बात कहते हैं अगर महापुरुषों ने लताओं से कुछ भी लिया है तुमने देखा है सदगुरुदेव भगवान जैसे श्री जी की झूला के लिए आपसे कुछ टहनिया तो इसलिए आप कृपा करके भिक्षा रूप में अपनी टहनिया दीजिए झूला में लगाने के लिए तो बस ऐसे किया और फिर टहनिया ऐसे यहाँ तो साधारण वृक्ष की भी मर्यादा नहीं रख रहे और इसे जड़ से उखाड़ कर बड़ा हृदय एकदम नुच जाता है कितने सुंदर सुंदर वृक्ष और ऐसे वृक्ष को लगाओ और पालन पोषण करो देखो कितना समय लगता है उनको तैयार होने में तैयार वृक्ष को नष्ट करने में क्या समय लगा किस लिए धाम हम आए हैं प्रियालाल की प्राप्ति के लिए धाम तो वास किसी और उद्देश्य से नहीं होता धाम तो केवल श्यामा श्याम की प्राप्ति के लिए ये वन है वृंदावन है ये भगवत प्राप्ति के लिए है प्रियालाल को रिझाने के लिए है अगर ये हम लताओं का अपमान कर देंगे तो फिर कैसे प्रियालाल मिलेंगे लता पीछे भी सत्संग में कहा था प्रसंग कह यदि आपके पास धन है आपने जमीन खरीदी है तो एक ही छोटी सी लता चाहे लगाइए आपकी वहां लता होनी चाहिए ये हमारे वृंदावन की बहुत बड़ी महिमा है लताओं की एक आप हर श्रृंगार का वृक्ष लगा लीजिए पुष्पों वाला है एक तमाल लगा लीजिए छोटा सा आप फिर भावना कीजिए वहीं प्रियालाल पधार रहे हमारे लता भवन में दो लताओं में ही लता भवन मालती माधवी ऐसी लताएं हैं उनको लगा लीजिए जो बेल रूप में है पर प्रयास जहां लताएं होती वहां देखा जाता है पहला कार्य होता है उन लताओं का विनाश व्यास जी पांच वर्ष पहले लिख गए अब मुझे चैन नहीं पड़ रहा है लोग लताओं को काट रहे पांच 500 वर्ष पहले अब तो देखो कहां लताओं के ज्यादा दर्शन अब थोड़ा सा महामहिम श्री स्वामी जी महाराज की कृपा में डूबे हुए टटिया स्थान में आप देख लीजिए मदन टेर के पास जो थोड़ा और इसके बाद लताओं का धीरे धीरे अंतर ध्यान रज रानी में कहा अब इतना डामर कंक्रीट बिछा हुआ है कि लोटे तो रजे नहीं लगेगी छिल और जाएगा कहा रज रानी बड़ा ये दुर्भाग्य सा प्रतीत हो सैकड़ों प्रातः काल आप देखो सैकड़ों संत लोटते मिलेंगे जब उस समय रज का सैकड़ों वयो आ करके अपने लगोटी में से ढाई बजे तीन बजे लौट रहे रजरानी पूरे शरीर में लगी फिर वस्त्र धारण किया भजन में बैठ गए बड़ा परम पावन यहाँ का जो भजन स्वरूप है बड़ा पवित्र है वृक्षाद्याख्या प्रकथन रुचौ स्त्रोत्र मंत्रादि कही किम बड़े बड़े स्तोत्र और बड़े बड़े सिद्ध मंत्रों की भी जो अनुष्ठान करने से फलवृत्ति है वो केवल यहाँ के वृक्षों का आलिंगन कर दर्शन करके और ये स्मरण कर अच्छा ये तमाल है ये कदम है ये आंवला है ये अशोक है ये नीम है ऐसा इनका नाम चिंतन हुआ आलिंगन किया तो बड़े बड़े स्त्रोत्र मंत्रों के अनुष्ठान से जो फल है वो ऐसे सहज हो गया वृंदावन की लतासम कोटिकल्प तरुणाही करोड़ों कल्प तरु इसकी समानता नहीं कर जब कदम जी का आलिंगन विधाम ऐसे तो ऐसा लगता मानो प्रिया प्रीतम का आलिंगन हो रहा मानो मेरे आराध्य देव दे, मेरे गले से लग रहे दृष्टि यचिद ही रता चेदलम ध्यान लक्ष्य श्री वृंदावन धाम में कहीं भी दृष्टि पड़े कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारी प्रियालाल विचरण ना करते हो जहां प्रियालाल की लीला ना हो अगर आपने वृंदावन के दर्शन कर लिए तो अब और कहीं तुम्हें दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। भाव है मना नहीं कर रहे अर्थात आपको सब कुछ प्राप्त हो गया ये वैकुंठ का भी मूल है श्रीधाम वृंदावन पीछे के श्लोक में था श्रीधाम बैकुंठ भी इसी से है यह अनाद अनंत महिमा में धाम है और श्री वैकुंठ धाम ईश्वर धाम है कैसे जैसे बिहारी जू के अंश से ही बैकुंठाधिपति भगवान नारायण है ऐसे ही वृंदावन के अंश से ही परम महामहिम जिसकी महिमा कभी कुंठित नहीं होती वो बैकुंठ है अगर वृंदावन का दर्शन कर लिया तो करें और फिर कहीं आपको दर्शन करने की आवश्यकता नहीं हां आप जाना चाहते जाइए आपकी निष्ठा आपका भाव लेकिन आवश्यकता नहीं है संपूर्ण फल श्री वृंदावन मात्र के दर्शन से प्राप्त हो जाता है शेयम प्राप्ति ही कोटि नाम श्रेयम तृप्ति ही कोटि पीयूष पाना यदि आपने वृंदावन का सेवन कर लिया तो करोड़ चिंतामणि मिलकर जो आपकी कामना नहीं पूर्ण कर सकती वो वृंदावन कामना पूर्ण कर देगा यहां आना यहां दर्शन करना यहां कुछ क्षण रुकना बहुत बड़ी बात हो गई यदि अपराध न करें यदि आप यहां आते हैं तो प्रार्थना है यहां वो सब ना करो जो संसार में करते हो दस दिन के लिए महीना भर के लिए दो दिन के लिए एक दिन के लिए आए हो, संयम में रहो बड़े बड़े होटलों में रुके और वही किया जो दिल्ली कलकत्ता में संसार में करते ए भाई नहीं यहां संयम से रहो होश में रहो ये वृंदावन है प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करके अद्भुत सुख देने वाला तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तुम्हारे को विपत्ति देने वाले कर्म नष्ट हो जाएंगे यहां आना कोई खेल नहीं है लाडली जू की असीम कृपा से आप प्रार्थना हाथ जोड़कर यदि आप बाहर से आए हो तो यहां वो मत करना जो संसार में करते हो बहुत धैर्य पूर्वक इंद्रियों को संयम में रखकर जितना कमा सको राधा 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 सत्संग सुनो बिहारी जी के दर्शन करो परिक्रमा करो यमुना जी के समीप बैठकर नाम कीर्तन करो आप जहां रुके हो जैसी सुविधा में रुके हो पर संसारिकता मत करो ये धाम है यहां आप ऐसे खान पान ऐसी जगह जगह अपवित्रता कर दें। कुछ भी खाया फेंक कहीं दोना फेंक दिए कहीं थूक दिया कहीं ऐसे नहीं ये धाम है एक शेख परमहंस गुप्त रूप से यहां विचरण करते हैं प्रियालाल यहां विहरण करते तुम्हें होश में रहना है गंदगी नहीं फैलाना बहुत सावधान आपको अगर थूकने का वेग आ रहा है तो आप रुके रहिए जहां आपको नाली जहां ऐसा दिखाई दे कि किसी के पैर न पड़े वहां थूके आपको लघुशंका रोके रखिए ऐसी जगह जहां किसी वैष्णव के पैर न पड़ जाए कहीं किसी को अपवित्रता ना हो जाए ये धाम है भले एक दिन के लिए आओ बहुत बड़ा लाभ मिलेगा पर होश में आओ परिवार सहित आए हो तो बस सावधानी से तप पूर्वक रहो चौबीस घंटे तप पूर्वक रहो जीवन का लाभ मिलने लगेगा जानते नहीं और मानते भी नहीं अपने लोगों का कार्य है आपका मंगल आपका कैसे सुख बढ़े मंगल हो पर जैसे छोटा बच्चा है ना उसको माँ स्नान कराना चाहती तो बुरा लगता है ऐसे ही छोटे बच्चे हैं अज्ञान की धरा में संतजन बुरा नहीं मानते जानते हैं कि भगवान की माया के द्वारा बुद्धि अप्रहित हो गई पर यदि आप हमारी प्रार्थना माने धाम में आकर ऐसी कोई नशा ऐसा कोई गलत आचरण ना करें तो 24 घंटे वास मात्र से आपके पूरे जीवन का काम बन जाएगा आपको नरक नहीं जाना पड़ेगा आपका मंगल शुरू हो जाएगा कह रहे सेयम प्राप्ति चिंता चिंतामणि नाम एक चिंतामणि सारी चिंताओं का नाश कर देती है करोड़ों चिंतामणि वृंदावन की समानता नहीं कर सकती क्योंकि प्यारी जू के चरण चिन्हों से युक्त भूमि है शेयम तृप्ति कोटि पीयूष पानात अमृत पान की हुए देवता भयभीत रहते हैं अमृत पान की हुए देवता वासना से युक्त रहते हैं लेकिन ये प्रेमामृत ऐसा वृंदावन पिलाएगा ना कोई वासना रह जाएगी ना कोई भय रह जाएगा असीम अपार आनंद की अनुभूति जो वृंदावन का सेवन करता है कोई अधूरी नहीं रह जाएगी और ऐसा प्रेमामृत का पान होगा ब्रह्मादिक के भोग सब सेयम सम्यक भक्ति सन्मुक्ति कोटिर अगर वृंदावन का सेवन करने का सौभाग्य मिल गया तो ऐसा भक्ति का प्रेम सुख मिलेगा जहां करोड़ों मोक्ष लघु हो जाते हैं श्रीपाद कह रहे हैं जो मोक्ष सुख को प्राप्त महापुरुष है आत्मार्पणे वृंदावन आत्मार्पण बड़ा भाग्यशाली है जिसने वृंदावन को आत्मसमर्पण कर दिया अर्थात अखंड वृंदावन उसके भाग्य की महिमा क्या कहना पर वो भी कम नहीं है जो वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन की रसोपासना में अपने चित्त को लगाए हुए हरिम व्यास प्रिया प्रीतम से प्रार्थना करते हैं कि जीवत मरत अब वृंदावन सर ने मेरा जीवन मेरी मृत्यु धाम वृंदावन अब नहीं कितना प्रेम वृंदावन से हरिराम व्यास जी को उनकी शिष्य मधुकर शाह जी परिवार के जन सब आए बहुत प्रार्थना की ना यहां से नहीं जाएंगे तब एक उपाय सूझा कि अगर गुरुदेव कह दे तो हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान और महाभागवत हरिवंश महाप्रभु से प्रार्थना की कि जय जय ये यहां रहेंगे तो इनका परम लाभ है और अगर ये ओरछा गए लाखों लोगों को भक्ति में डुबो देंगे आप आदेश कर दो हां सरल स्वभाव महाप्रभु का हां ठीक है अब जब ये सूचना मिली कि महाप्रभु ने कह दिया हां ठीक है अब तो बहुत विकल्प गुरु आज्ञा और धाम छोड़कर जाना अब तो जी नहीं पाएंगे बस लताओं को पकड़ पकड़ के जैसे कोई बच्ची विदा होती ब्याह के समय तो अपने सुहृदजनों को चिल्ला चिल्ला के रो रहे ऐसे विकल होके कि अगर किसी ने कहा तो प्राण निकल जाएंगे तो पारिवारिक जन और मधुकर शादी ने देखा महाप्रभु ने कह दिया था उनकी हिम्मत नहीं पड़ी हरिराम व्यास जी से कहने की कि आप और छा वापस चले गए ये इतना वृंदावन के प्रति आशक्ति हिम्मत नहीं पड़ी उन लोगों की महाप्रभु के कहने पर भी कि हरिराम राम व्यास जी से कह दे चिल्ला चिल्ला के मैं नहीं जी पाऊंगा वृंदावन के बिना जीवत मरत वृंदावन सर ने सूचित हुचित हुए श्री राधा मोहन ये बिनती मन धरने सुन लो मेरी बात हे श्यामा श्याम हे राधा मोहन मेरी प्रार्थना सुन लो मेरी बिनती सुन लो और अपने मन में धर लो कि आप हम वृंदावन से जाने वाले नहीं जीवत मरत वृंदावन शरण मेरा जीवन और मेरी मृत्यु वृंदावन ही है बड़े भाग बड़ो भाग वृंदावन पाए बड़ी बात बन गई जिसके मन में ये बात आ जाए भाई बहुत बड़ी बात बन गई नहीं तो महिमा सुनकर के बड़ी बड़ी कोठी बनी है और उनमें एक सेवक रहता है स्वामी को फुर्सत नहीं आने की रहने की पक्की बात है ये देखा है बड़ी लाडली की कृपा होती तो हम उनको प्रणाम करते हैं जो यहाँ रिक्शा चलाते हैं यहाँ दूसरों के घरों में सेवा करके वृंदावन वास प्रणाम करते हैं कोई पोछा लगा के कोई घर का काम करके जो चंद जीवन उपयोगी वस्तुओं के लिए पैसे मिले उनसे और सत्संग सुनना भजन करना तिलक लगाए हैं रिक्शा चलाए जो चंद रुपए मिले परिवार का पोषण वृंदावन प्रणाम है जीवन धन्य है उनका एन केन प्रकार वो लाभ मिल रहा है जो बड़े बड़ों को नहीं मिलता श्यामा श्याम आपसे प्रार्थना है मेरी ये प्रार्थना आप सुनो और मन में धरो कि अब मुझे जीते जी वृंदावन से बाहर मत जाने देना आप कुछ ऐसा कर देना मेरे मन की दशा कि किसी स्थिति में बाहर में जाऊं ये बात बन जाएगी अनंत जन्मों की बिगड़ी बात और देश के बसत ही घटत भजन की बात वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जात ये हम तो जीत गए हमारा वृंदावन मेरा वृंदावन प्राण वृंदावन सर्वस्व वृंदाव परवाह नहीं जीता दिया लाडली ने धाम के वासी जरा सोचो मन में आप कौन हैं बोले अखंड वृंदावन वासी धाम व वा, आप क्या और देश के बसत ही घटत भजन की बात वृंदावन में स्वार उलटी भजन हुए जात भोजन पाते हैं प्राण पोषण के लिए लेकिन यहां भोजन पाते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है पाप नष्ट होते हैं क्यों वो प्रसाद होता है हर चेष्टा यहां भजन बन जाती स्वार्थ भी यहां परमार्थ बन जाता है ऐसा धाम का प्रभाव यह परम पुरुषार्थ मेरो और कछु नहीं करने ने हरिम ब्यास जी कह रहे हैं आपसे कह रहा हूं श्यामा श्याम अब मुझे और कुछ नहीं करना अगर मेरा पुरुषार्थ तो बस इतना ही कि अब जीऊंगा तो वृंदावन में मरूंगा तो वृंदावन में अब आपको क्या कराना है आप देख लीजिए हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा क्या शरणागति है क्या आत्मसमर्पण है इन महापुरुषों का श्याम भरो से तेरे व्रत के नहीं ब्यास को ने जीवत मरत वृंदावन शरण हे श्याम सुंदर मेरा भरोसा मेरा व्रत एकमात्र वृंदावन अब हम अपने इस व्रत से नहीं टरने वाले अर्थात वृंदावन नहीं छोड़ने वाले जो बाहर रहते हैं वो निराश ना हो कई जगह हमने पढ़ा है जो धामवासी हैं उनका किसी एक का संबंध हृदय में स्वीकार कर ले किसी धामवासी का जो भगवत प्रेमी जन है वो मेरे और वो संबंध इतना प्रभाव उनके अंदर कर दे कि उनके हृदय में आ जाए कि ये मेरा हो गया काम जो वृंदावन वास का फल है वही आपको प्राप्त होगा रसिक महापुरुषों से अपनापन और वृंदावन वासी की तन से मन से वचन से या जो सेवा सामग्री है थोड़ी भी सेवा बन जाए पीछे श्रीपाद ने वर्णन किया तो धाम बड़ा कृपाल में देखता है कि हमारे धामवासियों से इसकी प्रीति है तो इसकी वही गति होती है जो धामवासी की वृंदावन का चिंतन करने लगता है आश्रय लेकर वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बारी कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार उसको भी वही गति प्राप्त होती निराश होने की बात नहीं कि जिनको वास प्राप्त हुआ हो तो सफल हो गए हम निष्फल नहीं ये पद्धति आप स्वीकार करें आश्रय वृंदावनवासी के प्रति आसक्ति थोड़ी सी भी सेवा वही गति प्रदान करेगा श्री भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सिद्ध पुरुष की क्या गति उसके लक्षण क्या है उसका बोलना कैसा उसका बैठना कैसा उसका व्यवहार कैसा पीछे आप सुन चुके हैं लक्षण और जो बोलने की बात कही थी उसमें हृदय की स्थिति को बताया था जो बैठने की बात कही गई थी उसमें बताया गया था जैसे कछुआ अपने छह अंगों को समेट करके सुखपूर्वक बैठता है भय रही ऐसे ही वो सिद्ध महापुरुष पांच ज्ञानेन्द्रिय एक मन इन छयों को संपूर्ण संसार के भोगों से हटाकर परमात्मा में स्थित रहता है अब यहां भगवान ने बताया कि यदि आपने पांचों ज्ञानेंद्रियों को भोगों से तो हटा लिया पर परमात्मा में स्थित नहीं है तो लाभ नहीं मिला मान लो आप जितेंद्रिय हैं मनोनिग्रही हैं लेकिन भगवत तत्व तो का ना ज्ञान हुआ है ना प्रेम तो अभी टिकाऊ स्थिति नहीं है उसे सच्चा अनुराग या ज्ञान नहीं कहते क्योंकि यत तो राय पुरुष से विपश्चिता इंद्रिया प्रमाथी हरंति प्रषभम मन बहुत जोर की बात है जो विषयी पुरुष है उनकी तो ये बात ही नहीं तो सिद्धों की तरफ बात की जा रही है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है मन का निग्रह कर लिया है पर परमात्मा में स्थिति नहीं आई है तो अभी टिकाऊ बात नहीं है चाहे बीसों वर्ष जितेंद्री रहा हो ध्यान देने का विषय है उपासक को कितना सावधान रहना है हे कुंती नंदन रस बुद्धि भोगों में है इंद्रियों से भोग नहीं है तो यत्न करने पर भी विद्वान उपासक की भी प्रमथनशील इंद्रियां संयोग प्राप्त होने पर बलपूर्वक उसे गिरा देंगे ये ध्यान देने की बात है इसीलिए जब तक वास्तविक सम में भगवान का दर्शन ना होने लगे तब तक बिल्कुल अपने को यह ना समझे कि मैं जितेंद्री हूं मुझे कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता कभी नहीं ये भगवान सावधान कर रहे हैं जब तक में स्थिति ना हो जाए तब तक उपासक के गिरने की पूरी गुंजाइश है चाहे वो बीसों वर्ष से जितेंद्री हो चुका हो बीस वर्ष हो गए जितेंद्री है पर वो गिर जाएगा अगर वो कहीं संयोग को प्राप्त हुआ तो भगवान कह रहे इंद्रियाणी मन प्रसवम हरंती ये दोनों का स्वभाव है मथन करके इतनी व्याकुलता पैदा कर दे कि फिर गिरी ही जाए इसी बात को भगवान श्री कृष्ण व्यास देव जी ने कहा मात्रा श्रा दुहिता विविता सनो भवेत बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान समपिकर्षति उपासक को चाहिए क्यों माता बहन और पुत्री के साथ भी एकांत में एक आसन पर ना बैठ बहुत समय तक एकांत होने पर इंद्रिया ऐसे बलवान हैं प्रमथम शोभा वाली हैं कि वो विद्वान को भी भ्रष्ट कर सकती है। औरों की तो बात जाने दो इसी पर जयमिनी जी का उदाहरण दिया गया था उन्होंने तत्काल प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बात तो मेरी समझ में नहीं आई अन्य किसी माता बहन की तरफ तो लेकिन अपनी माता बहन बेटी और आपने लिखा मात्रा श्रा दुहित्रा व ना एकांत में बहुत समय तक नहीं रहना चाहिए नहीं तो बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान समापी कर सती वो भले ज्ञानी विद्वान है लेकिन इंद्रिया तो उसको भ्रष्ट कर देंगी ये भगवान के अवतार है श्री कृष्ण दिव्य वो प्रसंग कथा में कई बार आ चुका है इसलिए सारांश में कोई भी शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करेगा तो गिर जाएगा जब तक भगवत बुद्धि ना हो मेरे भगवान इस रूप में मेरे प्रिया लाल इस वास्तविक अनुभव हो रहा है स्त्री पुरुष देह का भाव नहीं मेरे प्रभु अब कोई नहीं गिरेगा कोई नहीं गिरा सकता क्योंकि रस में स्थित है लेकिन जब तक ऐसा नहीं तो भगवान कह रहे हैं जो साधक बहुत यत्न पूर्वक पूर्वक आशक्ति कामना इनको शासन में ले चुका है अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहा है उसको बहुत ध्यान रखना है शास्त्र जो मना किया गया वो न करे जो चाहे अपन कल्याणा सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना सो पर नारी लीला गोसाई तजो चौथ के चंद किनाई तस्मात शास्त्र प्रमाणम थे ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करें आज्ञा है चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो ये भगवद आज्ञा है ये अनुशासन है शास्त्र अनुशासन मात्रा स्वस्था दुहित्रा व ना विविधता सनो भवेद बलवान इंद्री ग्रामो विद्वान समपि कर सती चाहे जितना कोई विद्वान हो अगर आज्ञा का उल्लंघन करेगा एकांत में ऐसा तो भ्रष्ट हो जाएगा जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हुई मेरे प्रभु अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला महाप्रभु चैतन्य देव के पावन चरित्र में पढ़ा महाप्रभु रो रहे थे एकांत में हा कृष्ण हा प्राणनाथ। दो तीन नवयुवती से निकली उन्होंने कहा कि इस नवीन सन्यासी को हमारी जैसी नहीं मिली उनको क्या पता कि साथ साक्षात लक्ष्मी सौंदर्य स्वरूप वैभव वाली विष्णु प्रिया जी उनका सादिध्य त्याग कर श्री कृष्ण प्रेम में ऐसे वो नजदीक गए और वार्ता करना प्रारंभ किया महाप्रभु रोते हुए बोले मां तेरे चरणों की वंदना कर तो कृपा कर दे मुझे श्री कृष्ण से हक से उनको हारे आंखों से अश्रुच जय नेत्र पड़े बावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद बिना श्रम छुट जाए सब जे माया के फंद ऐसे महाप्रभु चैतन्य देव अब कहा उनके अंदर मलिनता रो पड़ी दूर से चरणों प्रणाम किया प्रभु मुझे क्षमा करो मैं तो ऐसा ही मलिन आचरण करके अपने जीवन को नष्ट करने वाली कृष्ण कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण जब सब में हमें हमारे प्रभु दिखाई दे रहे हैं सब में हमारा परम भाव फिर कोई नहीं जब तक हमें स्त्री दिखाई दे पुरुष दिखाई दे भाव में पवित्रता आने की संभावना है इसीलिए भगवान कह रहे हैं। यत तो राउंते पुरुष से विपश्चिता जब तक ये बुद्धि है कि ये भोगा जा सकता है ऐसी बुद्धि है तब तक यत्न करते हुए भी विद्वान उपासक की इंद्रियां प्रमथनशील है सावधान उसे उसे भ्रष्ट कर देंगी ये ताण संयम्य ये तो पहले भी कह चुके कि वो अपनी इंद्रियों को जितेंद्रिय किया हुआ संयम में लिए हुए इतना ही नहीं युक्त आसीत मत पर खास बात यहां जो बता रहे हैं भगवान युक्त आसीत मत पर रहा वसे ही इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता साधक संपूर्ण इंद्रियों को वश में करे करना ही है पर मेरे परायण होकर यह खास बात भगवान का आश्रय और भगवान का चिंतन चल रहा है नाम जप कर रहा है किसी की ताकत नहीं कि भ्रष्ट कर दे पक्का विश्वास रखना करो सदा तीन कह रखारी जिम बालक राख है मन और इंद्रियों पर ऐसे भगवान शासन रखते हैं जैसे अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम पकड़े हैं ना ऐसे उपासक के हृदय में भगवान उसको आश्रित मत पर आया मत पर मेरे परायण मेरे परायण नाम जब लीला गायन भगवत आश्रय और आज्ञा का पालन भगवान कहते मेरा वही सेवक है जो मम अनुशासन माने मेरी आज्ञा भगवान की आज्ञा है ऐसा कभी गलती ना करे जो शास्त्र कह रहा वैसे चले चाहे गुरु बहन हो कोई भी कोई भी संबंध हो अकेले कभी संभाषण न करे मर्यादा है चाहे गुरु भाई हो जैसी मर्यादा रखी गई वैसे हाँ हमें अगर कोई संभाषण करना है तो चार साधक खड़े हो गए अगर हमें संभाषण करना है तो चार सखियों के साथ हम बात करें अकेले एकांत स्थान में बहुत कोशिश करने पर भी प्रमथनशील इंद्रिया और प्रमथन स्वभाव वाला मन ये फंसा देगा पक्का पक्का बहुत सावधानी की आवश्यकता है बहुत कीमती आपका जीवन है आप जिस मार्ग में चले हैं अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी बस संभाल लीजिए फिर एक स्थिति ऐसी आती है जैसे भुना हुआ अन्न, अंध उसमें अंकुरण ही नहीं होता जैसे निर्मल जलाशय प्राप्त होने के बाद फिर कहीं गड्ढों की याद नहीं आती ऐसे उसके हृदय में विषयों के प्रति तनिक भी सुख बुद्धि नहीं रह जाती तो आसपास विषय ढेर सारे क्या फर्क पड़ता है तान सर्वाण संयम आशित मत पर बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रिया हैं और इंद्रियों का हरण करने वाले विषय हैं नेत्रों से देखा कानों से सुना ये सब इंद्रिया हैं बस मन को इंद्रियों ने बलात आकर्षित किया मन ने संकल्प बनाया आप जो होगा सो देखा जाएगा वो गिर गया गिर गया कामना इतनी प्रबल हुई कि स्मृति काम ही नहीं कर पाई बोलने में इतना देर लगा कामना स्मृति बोलने में देर लगा अपहरण करने में देर नहीं लगता इंद्रिया मन का अपहरण मन बलात् बुद्धि का अपहरण और विषय इंद्रियों का अपहरण कर लिए अभी होता है कि हम तो चाहते नहीं थे पता नहीं कैसे हो गया पता नहीं कैसे हो यह पता है शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन हुआ है पक्का अगर गुरु आज्ञा शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न हो तो सच्चे हाथ उठा के हूं माया की ताकत नहीं कि अपने सहायकों के साथ कुछ भी बिगाड़ सके जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा पार करते तभी माया का आक्रमण होता है अन्यथा पक्का विश्वास करो नहीं क्योंकि माया मायाधीश की है और हम उनके दास हैं मामी भी प्रपत जनते माया में तां इसीलिए भगवान बोले इंद्रियों को जीत लिया मन का निग्रह कर लिया लेकिन परमात्मा में स्थिति नहीं तो भ्रष्ट होने में संशय नहीं भले वो कितना बड़ा विद्वान हो अगर आज्ञा का उल्लंघन करके कहीं भी एकांत ऐसा सेवन तो नष्ट हो जाएगा क्या करे तान सर्वाण संयम में युक्त आसीत मत परा जब मेरे पाया हो गए तो मेरी जिम्मेवारी बन गई योगक्षेम भाव में और मेरे परायण हो गए तो रस बुद्धि भोगों की खत्म हो जाएगी पक्का ये भी पक्का जब भगवदानंद का स्पुरण होता है या भगवदानंद की प्रबल लालसा होती है लगन जिसे कहते हैं उसी में ब्रह्मादिक के भोग सब भी लागत ताए नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए बिल्कुल सावधान अगर आप थोड़ा भी भजन करने लगे तो आप देखिए थोड़ी भी गलती आपको जलाने लगेगी आपके हृदय में अशांति पैदा हो जाए यह है भजन का फल पहले आप गंदे आचरण करते थे लेकिन आपको अशांति नहीं होती थी अब आप थोड़ा भजन करने लगे तो अशांति सोचो जिनका निरंतर भजन चलता है कैसे हो सकता है एक स्थिति आती है हर समय अपने प्रिया प्रीतम में स्थित है उसके लिए लिख दिया कर्माण श्रुति बोधिता नित राम कुरवंत कुरवंतु मां गुढ़ाश्चर्य शास्त्रि विषयान ग्रहणंतु वो कोई फर्क नहीं ऐसी महान स्थिति में लेकिन जब तक अपने अंदर वो स्थिति नहीं है वो हृदय में आती तो पता जैसे कैसे हम जानेंगे स्थिति है तो जब पेट भर जाता है तो दूसरा बताता है क्या बंद कर दो आपका पेट भर गया वो हृदय में स्थिति जागृत होती जाने मोरी छाती वो हृदय ही जानता है वसे ही यशेंद्रिया तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जो इंद्रिया बलवान मन का अपहरण कर लेती है साधक सावधान सजगता पूर्वक रहे जो गुरुजन है बड़े सावधान वृत्ति से आपको जो शासन में लेते हैं उसको स्वीकार ना करें तो बह जाओ संसार में कोई भी दृश्य आपको फंसा सकता है जिनके पास मोबाइल है बहुत अच्छा लाभ ले सकते हो आप बड़े बड़े महापुरुषों के सत्संग सुन सकते हो बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन कर सकते हो कहीं भी किसी भी धाम की लीला का दर्शन कर सकते हो रास दर्शन कर सकते हो गंदी बातें क्यों देखो जिससे हमारा मन चंचल हो क्यों देखो हम बार बार एकाग्रता ऐसे तो किसी माता बहन को एकाग्रता पूर्वक समाज में देख नहीं सकते पर आपके पास यंत्र है एकांत उसमें में पूर्वक अपनी इंद्रियों को विषयों का दर्शन करने से भी बचावे जब तक भगवत प्राप्ति न हो बहुत सावधान नही भी शारण के एक महात्मा आते थे वो प्रयास चलो स्वामी जी भिक्षा के लिए चल पीछे पीछे ना बोलना ना देखना बैठे बस बहुत बहुत नारायण बोल दिए तो बोल नहीं बोल बा, हरि बाबा लाखों भगत थे गुरुजन महापुरुष ऐसे क्यों रहते हैं क्या इनमें सामर्थ्य नहीं क्या ये देख नहीं सकते क्या अरे नहीं भाई इनकी दृष्टि में केवल प्रभु बैठे हैं पर तस्मा शास्त्र प्रमाणम थे बहुत होश में शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करने वाला सिद्ध हो नहीं सकता जो सिद्ध पुरुष है वो तो इसी से सिद्ध हुए हैं तो उनका स्वभाव ही बन गया है मनमानी आचरण करने वाला कभी भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता तात्पर्य हुआ कि साधक जब अपनी इंद्रियों को वश में करके मन को वश में करके प्रभु में लीन होने के लिए चल रहा है तो अभिमान ना करे कि मैं जिते हूं दूसरी बात ये जब अभिमान होता है तब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा अब दो बातें आ गई और दोनों गिराने वाली हैं। पहली हुई शास्त्र के विपरीत बात इंद्रियों और मन को जो हम जीत पाए हैं वो गुरु कृपा से जीत पाए हैं उनके द्वारा दी हुई युक्ति उनके द्वारा हुआ दिया हुआ मंत्र नाम से तो गुरु कृपा से हमारी इंद्रियां हमारा मन हमारे शासन में आया हम उनकी गुलामी से मुक्त हो रहे हैं मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता ऐसा अभिमान नहीं इतने बड़े भगवत अवतारी भगवत पार्षद अगर अहम कर लें तो धूल दूसरी तहम कर देते हैं भगवान अपने लोग तो बहुत बहुत ही कृपा से केवल चल रहे हैं। छोड़ दिया जाए तो दलदल -दल में गिरे हुए हैं अपनी बात कहते अपने लोग तो ऐसे चल रहे हैं जैसे दुकान की सामग्री देख के बच्चा दौड़े लेने के लिए पर बहुत जोर से ने कलाई पकड़ रखी और झटक के वो अपने समय ऐसे नहीं चल ऐसे चल रहे अपने तो जो देखते उधर ललायत हो जाते हैं पर सदगुरु कृपा श्री जी की कृपा झटक करके सतमार्ग में चला रही तो हमें दैन्य रहना है कि हम नहीं चल रहे हमें चलाया जा रहा है अगर हम चल रहे हैं तो अहंकार आ जाएगा अहंकार आ जाएगा तो कौन मेरा बिगाड़ सकता है फिर बिगड़ जाएगा फिर बिगड़ जाएगा बड़े बड़ों को भगवान ने अहंकार आने पर ऐसी जगह फंसा दिया कि फिर त्राइम बोलना पड़ा अहंकार नहीं दो बातें करें। जितेंद्रियता बढ़ रही तो अहंकार नहीं अहंकार का लक्षण है मनमानी आचरण करने में उतारू हो जाना नहीं पतन हो जाएगा सावधान अभिमान साधक को जहां आया वहीं से उन्नति खत्म पतन शुरू भगवान से विमुख करना अभिमान का लक्षण है इंद्रियों का संयमन अपने बल का अभिमान से नहीं होता भगवत कृपा से हो रहा है प्रभु बड़ी करुणा कर रहे हैं हमारा जो प्रयास हो रहा है भगवत बल से हो रहा है भगवत कृपा ही है इसलिए मत मतपरायण भगवान बोला मतपरा भगवान की कृपा का हर समय चिंतन होना और भगवान के परायण का तात्पर्य भगवान की आज्ञा पालन करना अब उसकी सिद्धावस्था में कोई संशय नहीं होगा वो सिद्ध हो जाएगा हमारी इंद्रिया हमारा मन संयम में हो रहा है इसका अभिमान नहीं क्योंकि भगवत कृपा से हो रहा है मेरे करुणानिधान आराध्य देव गुरुदेव कृपा कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है दूसरी बात भगवत आज्ञा का उल्लंघन नहीं जब लिखा हुआ है कि नहीं संभाषण करना एकांत में नहीं बैठना एकांत में नहीं मिलना तो आपको वैसे ही आचरण करने चाहिए साधन की सिद्धावस्था दो भाव पहला सब कुछ भगवत कृपा से हो रहा है अभिमान नहीं दूसरा मेरे गुरुदेव हरि का जो आदेश है वैसा अक्षरसा जीवन में होना चाहिए मानव शरीर मिला बहुत बड़ी हरि की कृपा सत्संग मिला बहुत बड़ी हरि की कृपा साधना मिली बहुत बड़ी हरि की कृपा साधना में रुचि हुई बहुत बड़ी हरि की कृपा अब सिद्ध भी हो जाओगे हरि की कृपा से बस प्रभु की कृपा पर दृष्टि रखो आज्ञा उल्लंघन नहीं आज्ञा उल्लंघन करने में देर नहीं लगती साधक को वो डरता नहीं है अरे यही डर ही डर अपी हरिवंशित डरो आज्ञा उल्लंघन कर दोगे फिसल जाओगे बहुत ही फिसलन है पर साधक जब अपने मन बुद्धि के अनुसार चलता है तो आज्ञा का महत्व तो नहीं समझ पाता आ कहा था ऐसा लेकिन व्यवहार में तो ऐसा हो करना पड़ेगा ना अगर आपको व्यवहार करने की आज्ञा दी तो सामर्थ्य भी दी पक्का समझ लेना गुरु कृपा कवच तुम्हारे ऊपर लगा रहेगा जाओ तुम बात करो देखते कौन बिगाड़ सकता है नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि गुरु कृपा कवच है आज्ञा हो गई जाओ जैसे भगवान आज्ञा करें लड़ युद्ध कर इनसे तो भगवान कवच की तरह बैठे रहे बड़े बड़े दिव्यास्त उनकी दृष्टि मात्र से नष्ट हो जाते थे तो जब गुरु कृपा हरि कृपा फिर आपको अगर व्यवहार का आदेश है तो कोई नहीं भ्रष्ट कर सकता और अगर आपको आज्ञा है परमार्थ में कि व्यवहार शून्य जीवन तो आप व्यवहार बिल्कुल स्वीकार न कीजिए नहीं तो आप फिर भ्रष्ट हो जाएंगे उपासक की प्रधानता आज्ञा पर रहनी चाहिए पुरुषार्थ आज्ञा की पूर्ति में ना कि आज्ञा उल्लंघन में अतः भगवान की विशेष कृपा उसके ऊपर होने लगेगी और वो भगवत परायण हो जाएगा जो भगवान के मत पर रहा प्रभु के परायण का मतलब केवल केवल प्रभु से अपनापन और उन्हीं में महत्व बुद्धि प्रभु मेरे हैं मैं प्रभु का हूं संसार में कोई मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूं ये आ जाएगा भगवत कृपा से बोले अगर संसार मेरा कोई नहीं है इसमें मैं किसी का नहीं तो फिर यह घर गृहस्थी कैसे चलेगी भगवत भाव भगवत भाव उससे और ज्यादा प्रीति उससे और ज्यादा निर्मलता जरा सा तुम्हारे घर में कोई विपरीत तो बोल दिया लड़ाई कर बैठे क्या प्यार है जब प्रीति आएगी भगवत भाव आएगा तो मुस्कुरा कर टाल दोगे और बढ़िया गृहस्थी का व्यवहार बनेगा प्रभु ऐसे उपासक के भाव में हर समय बने रहते हैं ध्यान दीजिए जिसके हृदय में निश्चय हो गया कि मैं प्रभु का प्रभु मेरे मैं संसार का नहीं संसार में कोई मेरा नहीं हर समय प्रभु उसके भाव देश में बने रहते यही अनन्य भजन है साधक का मैपन प्रभु में समर्पित हो जाता है साधन की सफलता भगवत परायणता में है बड़ी महिमा है जो भगवत पारायण साधक हो गए हैं। वशे ही यश इंद्रियाणी तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वो अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला भगवत परायण महापुरुष सिद्ध कहा जाता है श्री भगवान कह रहे हैं यदि आज्ञा उल्लंघन करोगे यदि मेरे परायण नहीं रहोगे तो तो विषयान पुष बहुत ध्यान देने योग्य बात है तो विषयान पुनष संगस्ते सूप जायते संजायते काम काम क्रोधो भी जायते भवति सम्मोहा सम्मोहात्मृतिमा स्मृति भ्रंसा बुद्धिनाशो बुद्धिना सा प्रणश्यति जो उल्लंघन करता है उस साधक का विषय चिंतन बनने लगता है यह है सर्वनाश कई बार वर्णन किया है कि साधक का एकांत पवित्र होना चाहिए समाज तो व्यवहार में सब कुछ पवित्र रहने की चेष्टा करेगा थोड़ी भी हरकत आपकी पकड़ी जाएगी एकांत आपका पवित्र होना साधु का एकांत निर्मल होता है इसलिए उसका व्यवहार भी परम पवित्र होता है ये कपट होता है कि हम व्यवहार में पवित्रता का कपट करते हैं और एकांत हमारा पवित्र होता है बहुत ध्यान देने की बात समाज में तो आप पवित्र रहोगे ही एकांत आपका पवित्र होना चाहिए साधक इस बात को बिल्कुल अक्षरशा जीवन में उतारे आपका एकांत श्रवण दर्शन चिंतन पवित्र होना चाहिए एकांत में एकदम सजग रहना चाहिए छूट नहीं देनी चाहिए अब अपने कमरे में गए बंद किया कमरा अब तो हम स्वतंत्र नहीं देखना उसी समय जिनको तुम शासन में ले रहे हो वो तुम्हें गुलाम बनाने की चेष्टा करेंगे इंद्रिया मन बुद्धि अगर आप आज्ञा पे नहीं है देखो प्रारंभ में जो सदगुरुदेव भगवान कृपा करी थी प्रथम दीक्षा उन्होंने बताया था कि बच्चा जब तक नींद ना आ जाए तब तक खाली मत रहना गुरु कृपा से ऐसे सदगुरुदेव भगवान के वचन मिले कि प्रबल लालसा से जो भगे थे तो वैसे ही भगवान ने हाथ पकड़ लिया बहुत ही निरंतर जप प्रधान जीवन महाराज जी का था उन्होंने जप में ही लगाया जब तक नींद ना आवे तब तक हाथ में माला और जपते रहना कुछ पाठ के क्रम और अधिक जप में लगाया प्रारंभ से ही जप में और कहा इस माला से जपने की परिपक्व अवस्था है कि बिना माला के प्रतिश्वास में अधिक से अधिक नाम और मंत्र का अभ्यास किया जाए यह भी बात दिमाग में बैठ गई ग्यारह बजे रात्रि तक प्रारंभ में जो दिनचर्या बनी हुई थी जग करके जप करना और दो बजे ढाई बजे गुरुदेव भगवान को उठा देते थे उस समय उठने की तो सावरत नहीं थी नई उठ देख बैठ बैठ भजन का समय चल फौरन बैठा देते जब इन पे पास ही सुला बड़ा माँ का जैसा स्वरूप दुलार किए तभी हा बस वहां से बात बैठ गई कि मेरे चिंतन में निरंतर मंत्र रहना चाहिए नाम जब निरंतर चलना चाहिए विषय चिंतन के लिए जगह ही ना दी जाए खास बात है अगर आप माला में ही केवल अभ्यास करेंगे तो जब माला छोड़ देंगे तो मन कहेगा देखो ग्यारह की बात हुई थी हो गया अपना नियम पूरा हो गया आप चलो नहीं इसको ग्यारह तो बाहर से फसाना ही है माला से पर अंदर श्वासों की माला में कोई भी श्वास खाली ना जाए अब जब हम शयन करने के लिए अपनी दिनचर्या पूर्ण करके अकेले कमरे में हुए तब ध्यान देना ये अनुभव की बात कहते हैं इंद्री और मन आप पर शासन करेंगे अब अब बहुत जोर की लड़ाई है आपकी क्योंकि एकांत हो कोई भी चेष्टा भगवत मार्ग के विरुद्ध ना होने पावे शरीर से और ना मन से तो विषयान संगस तेसूप जायते संगात संजायते कामहा कामात क्रोध हो भी जाए ते पूरा पूरा परमार्थ नष्ट हो जाएगा जहां विषयों का चिंतन हुआ ये मोबाइल बहुत हानिकारक है यदि विपरीत दिशा में गए आप बार बार इसलिए सावधान कर रहे हैं इसमें पूरा संसार है अगर आप सावधान नहीं है तो उसमें एक सुविधा तो भजन की है कि आप सत्संग सुन रहे हैं उसमें बहुत सी ऐसी असुविधाएं हैं जो भजन विरोधी है आप बहुत सावधान आप यदि एकांत में मनोरंजन में फंस गए तो केवल स्वांग चलेगा भक्ति का सत्संग इतना प्रभावशाली है कि हमारे जीवन को बदल दे पर कुसंग इससे कम नहीं है क्योंकि बहुत जन्मों से हमारा कुसंग में अनुराग रहा है अब वो कुसंग क्या करेगा सत्संग की बात का मिटिया मेट कर देगा इसलिए सबसे प्रार्थना है चढ़ना बहुत कठिन होता है फिसल के गिरने में सेकेंड लगते हैं शायद है कोई अच्छा उपासक क्यों एकांत में कुशंग करेगा पर मोबाइल से कुशंग करने में उसको कोई संकोच नहीं लगे को, को, कोई देख नहीं रहा तो भाई ये किसी और के साथ नहीं कर रहे हो आप हमें धोखा नहीं दे रहे हो आप अपने को धोखा दे रहे हो कोई भी विशेष बढ़ावे की बात सुनोगे देखोगे तो तो विषयान पुष आपका ध्यान विषयों का बनने लगेगा चिंतन विषयों का होने लगेगा अगर चिंतन प्रभु का हो रहा है सच्ची बात मानना वो कहीं भी हो कुछ भी उसका नहीं बिगड़ सकता तभी कहा ग्रहण ग्रहणंत मुंचंत हुआ चिंतन अन्य चिंतु माम यही सिद्ध पुरुष का स्वरूप होता है कोई भी चेष्टाएं हो रही हैं उसका चिंतन भगवदाकार अब कुछ नहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला तो क्या उससे भी पापाचरण होता है क्या नहीं पापाचरण अहंकार से होता है अहंकार तो न जाने कहा लीन हो गया परम सत्य में अब वो केवल यंत्रवत चेष्टाएं हो रही हैं विषयों का चिंतन न होने पाए भाई खास बात भगवान यहां वर्णन कर रहे हैं अगर विषयों का चिंतन हुआ तो उन विषयों का संग अंदर से जो हो रहा चिंतन में अब वो राग पैदा कर देगी कोई भी भोग किसी भी इंद्री का तभी आपको व्याकुल करता है जब पहले वो सब चिंतन में हो जाता है आज ये चीज खाई जाए वो चीज आएगी चिंतन में उसका स्वाद आएगा खाने की प्रक्रिया आएगी अब मन में संकल्प बन गया यहां सावधान रहना है जिस समय आपका मन विषय चिंतन किसी भी विषय में उसी समय उसको डिलीट करो राधा 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 वो कहेगा चुप रहो देखो हम कितनी बढ़िया चीज भेज रहे हैं आपके सामने से देखो इसका मनन करो बस आपको उसकी सुने नहीं लगी राधा 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 वो जलेगा वो आपको परास्त करना चाहेगा राधा 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 बच गए आया था वेग जीत गए यम ही न थे पुरुषम पुरुषर शब जो ऐसी व्यथा से व्यथित नहीं हुआ वो श्रेष्ठ महापुरुष वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है ध्यान दीजिए एकांत में या कहीं भी विषय चिंतन ना होने पाए कोई भी विषय में तभी परास्त करता है लुभायमान करता है, जब उसका चिंतन हो जाता है चिंतन से बच जाओ तो सामर्थ्य नहीं विषय की, की गिरा दे आपको पहले चिंतन जहां चिंतन जाना चाहिए आज तो जीव तेरो बदल आनंद वहां आनंद ऐसे ही हर का विषय आप देख लेना पहले चिंतन अब उपासक गाढ़ चिंतन में जहां डूबा फट से संकल्प बना मन में संकल्प बन गया अब हिम्मत नहीं तुम्हारी कि तुम रोक सको संकल्प नहीं बनने दीना स्फुरना हुई रोको उसी फा से कैसे राधा 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 मन में नहीं ऊपर से शुरू करो जबान से क्योंकि मन तो संकल्प बनाने के लिए तैयार हो गया ये सब युद्ध की बात कर रहे हैं अपने हृदय की बात कह रहे हैं इसके जीतने का उपाय है यही ये कहेगा मत बोलो राधा इस समय पक्का इतना उसको बुरा लगेगा वो बार बार आपके सामने जैसे देखना आप जब किसी विषय चिंतन में हो तो कभी भगवत चिंतन में ऐसे नहीं डूबे हो जैसा उसमें डूबाएगा पूरा स्वाद पूरा सामने कहा हो मतलब इतना एकाग्र थे आप उस विषय चिंतन में ये बस साधक सावधान ये मन और इंद्रियों के जाल हैं बहुत सावधान जीवन में यदि कभी कोई गलती हुई है उसका संस्कार पूरा मन छुपाए हुए रखा है वो उसका वो अग्नेय बाण है आग्नेय अस्त्र कि जहां आप भजन में तन्मय हो गए वो छोड़ेगा आग्नेय अस्त्र ये अब वो भजन गया चिंतन चिंतन न होने पावे बस उसी समय रोको यद्यपि कलयुग का एक महान प्रताप रखा गया है कि मानसिक चिंतन में यदि पाप हो जाए तो दंड नहीं मिलेगा पर इतनी पवित्रता नहीं है कि आप रुपा संकल्प बन जाएगा संकल्प बन गया तो फिर भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी बहुत सावधानी का विषय ध्याय इसीलिए हर समय हमें नाम जप करना है हर समय इसकी पूरी व्याख्या आगे होगी अपने को यह ध्यान रखना है खास बात जहां हमारी इंद्रिया और मन किसी भी विषय के अगर हिम्मत हो तो एक बात और कर लो जैसे मन ने मांगा कि आज हमें समोसा चाहिए और अगर आपके भजन बल से चूंकि इच्छा हुई थी वो आ सकता है बिना मांगे आ सकता है अगर आ जाए तो आपको नहीं खाना है पक्का नहीं खाना है ऐसा कर सकते हो तो मतलब गुलामी से मुक्त हो रहे हो आजाद हो रहे हो आप पर बड़ा कठिन है और खुश हो गए कि हम सिद्ध हो रहे हैं <laughs> हम जो चाहते हैं वो आ जाता है नहीं ये गुरुजनों की बताई हुई बात कह रहे कि आपके मन ने चाहा और वो विषय अनमांगे आ गया तो आप हर्षित मत होना आप हर्षित मत होना कि हम तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं ये आपकी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए फिसलन डाली गई है उस चीज को तो खाओ मती आज क्या बनेगा ये बने मन बहुत हर्षित हुआ ना अब वो नहीं वो लेना परोसा जा रहा नहीं आज ये नहीं महाप्रसाद रूप इतना लेकिन ऐसा नहीं होता आज और कुछ नहीं भाई जो हमारे मन ने चाहा है बस इस पर देखना है ये हम हर इंद्री के विषय को कह रहे हैं अगर हमारी इंद्री और मन ने हमारे लिए जाल रचा चिंतन करके किसी भी भोग विषय का और अगर वो हमें प्राप्त हो रहा है तो हमें नहीं भोगना है चाहे वो पवित्र भोग ही क्यों ना हो तो आप मन बुद्धि चित्त अहम अंतकरण चारों को पवित्र करने में समर्थ हो जाएंगे आप इंद्रियों के गुलाम नहीं इंद्रिया आपके अधीन हो जाएंगी भगवान नाम जब और सत्संग से प्राप्त युक्तियों के द्वारा बहुत मन चंचल है बहुत इंद्रिया चंचल है पर गुरु जी के द्वारा दी हुई युक्ति से ये नहीं निकल सकते ये नहीं भाग पाएंगे आ अपने अगर अहम आ गए तो इनकी युक्ति से आप नहीं बच पाएंगे बड़े बड़ों को फिसला देते इसीलिए तरह न कोई नाम जप करो भगवद आश्रित रहो जो सत्संग सुनो उसका खूब मनन करो जीवन बहुत थोड़ा है कब तुम्हारी आखिरी श्वास हो जाए इसका पता नहीं है इसलिए हर श्वास में राधा 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 शेष चलते आगे राधा